I can tell you that comparison to our strength. Number one, obesity is a chronic inflammatory disease. Number two, increase ACE2 receptors. For the last few question you asked, I would like to repeat that. Sure. They are not able to convince the patient. This is my experience. Anyway, they are doctor. फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ कार्यक्रम, बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर की गई चर्चा, उपस्थित हुए जाने माने डॉक्टर। रिपोर्ट किरण सिंह तवर, किडनी टाइम्स। फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया के तत्वावधान में दिल्ली के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर संजय वर्मा ने उपस्थित चिकित्साओं को बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वजन कम करने की सर्जरी की सूक्ष्मताओं से अवगत कराया। मैं डायरेक्टर हूँ जीआई मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक जीआई सर्जरी, 40 स्क्वाट्स ओखला। देखिए, आज अभी जितना भी सर्जरीज हो रही है सब दूरबीन से हो रही है। पहले चीराफाड़ी करके ओपन सर्जरी से होता था, आजकल दूरबीन से होती है। दूरबीन से सर्जरी करने का एडवांटेज ये है कि मरीज जो पहले 10-10 दिन 15-15 दिन अस्पताल में रहता था, वो आज 4-5 दिन में अपने घर पे चले जाता है, 7 दिन के बाद अपनी ड्यूटियाँ ज्वाइन कर लेता है। बहुत जल्दी हम लोग रोबोट से भी स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा हॉस्पिटल में रोबोट भी आने वाला है। सो सर्जरी का लेवल जो है डे बाई डे एडवांस होता जा रहा है, और दूरबीन से लेप्रो और आपके रोबोट से सर्जरी करने से पेशेंट को फ़ायदा ये होता है कि अपने काम को जो चीज़ 15-20 दिन के बाद होती थी वो हफ्ते में अपने ज्वाइन कर सकते हैं। या क्या सेम जो दूरबीन से होते हैं, लेप्रोस्कोपी से होते हैं, उसमें बस एक चीज़ ये हो जाती है कि अपने आप ऑपरेट करने के बजाय कंसोल से ऑपरेट बैठ के ऑपरेट करते हैं, और जो साथ के एसोसिएट्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो उसमें हेल्प करते हैं। सो जहाँ तक दूरबीन और रोबोट की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि दूरबीन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जब दूरबीन से सर्जरी होती है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, रिजल्ट सेम होता है। क्योंकि हर डॉक्टर देख रहे हैं आजकल रोबोट, चाहे ऑर्थो हो या सर्जन हो या हर चीज़ में रोबोट है, तो रोबोट से उसका खर्चा लगभग 5-7 लाख होते हैं, और दूरबीन से 2-1.5 लाख। देखिए, रिजल्ट का जहाँ तक देखूँ तो रिजल्ट दोनों में अच्छे होते हैं, बराबर होते हैं। डॉक्टर वर्मा दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से संबंध रखते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी सर्जरी के लिए रोगी का चयन अहम है। सर्वप्रथम तो वजन कम करने के इच्छुक रोगी खाने में कटौती व व्यायाम का सहारा ले यदि बहुत आवश्यक होगा, तथा यदि अत्यधिक वजन और रोगों का कारण होगा केवल तभी वजन कम करने की सर्जरी सुझाई जाएगी। ऐसे रोगियों को अधिकतर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का सुझाव दिया जाता है, जिसमें रोगी के आमाशय का अधिकतर भाग काटकर केवल एक पतली सी पाइप सा अंग छोड़ दिया जाता है, जिस कारण रोगी आने वाले समय में बहुत कम ही भोजन ग्रहण कर पाता है, और परिणाम स्वरूप आने वाले समय में उसका वजन घटता चला जाता है। एक और ऑपरेशन की चर्चा हुई जो मधुमेह के रोग का जड़ से उन्मूलन करने में सक्षम है, उसे कहते हैं राउक्स एंड वाई सर्जरी या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। नमस्कार, मैं डॉक्टर माथुर हूँ। मैं पैट्रन ऑफ फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया हूँ। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, इसका मतलब हम लोग डॉक्टरों से इंटरेक्ट करते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, और हर हफ्ते हर बुधवार को एक मीटिंग करते हैं। 800 से ऊपर मीटिंग कर चुके हैं, और ये फोरम जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फलेस कम्युनिकेटिंग द एब्रेस्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द मेडिकल फील्ड, और इससे हमारे सारे कलीग्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये प्रोग्राम हमारा पिछले 12 साल से चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। हम इसमें हमारे जो पेरेंट बॉडी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, साउथ दिल्ली मेडिकल फोरम, इन सबका भी थैंक्स बोलते हैं कि उनकी वजह से ये एक्टिविटी चल रही है, और उनका सपोर्ट हमारे साथ है। तो अल्टीमेटली दिस इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन फिजिशियन फोरम इंडिया, जो एक फिजिकल एक्टिविटी मेडिकल फील्ड में करे जा रही है पिछले 12 साल से वेरी सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर एस के पोदार, मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ अपोलो हॉस्पिटल और अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में। देखिए, ऐसा है कि ये फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके ऑफिस बीरर का नाम आप लोग ने बता ही दिया होगा, प्रेसिडेंट डॉक्टर गुप्ता हैं, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चौहान हैं, तो ये करीब करीब 16-17 साल से हर वेटनर से CME कर रहे हैं। मैं IMA का प्रेसिडेंट रहा हूँ साउथ दिल्ली का, DMA का भी सेक्रेटरी रहा हूँ, और ऑल इंडिया IMA का भी जॉइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा हूँ। और ये जो एफर्ट है CME में, मैं किसी भी लोकल ब्रांच ऑफ IMA DMA ने इतना नहीं किया, ओवरऑल IMA ने किया होगा, बट ओवरऑल किसी भी स्टेट ब्रांच ने नहीं किया, किसी भी लोकल ब्रांच ने नहीं किया।
तो ये इनिशिएटिव जो है फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया का सीएमई करवाने का, और क्वालिटी सीएमई जो होती है, सब जो दिल्ली के टॉप स्पीकर्स होते हैं, आप जो कार्डियोलॉजी की सीएमई हो तो दिल्ली के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे, अगर सर्जिकल सीएमई है तो दिल्ली के टॉप सर्जन जो होते हैं वो बोलते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी की है तो ऑलमोस्ट आप इंडिया लेवल के, हम लोग नेशनल सीएमई अटेंड करते हैं, एएसआई की, एपीआई की, उस लेवल की टॉक होती है। और क्वेश्चन आंसर सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारे यहाँ होता है वो हर स्पीकर आज ने एग्री किया है कि यहाँ जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो हमें कहीं भी नहीं मिलता, जेन्युइन क्वेश्चंस जो लोगों को अंदर जो भी क्वेरी होती है वो लोग पूछते हैं और पूरी करते हैं, हमारे स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। यहाँ आमाशय को बाईपास करके ग्रहण किया हुआ भोजन सीधे छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है और ऐसे रोगी की शुगर बहुधा कम हो जाती है। सभी सर्जरी पेट काटकर या पेट में सुराख करके लेप्रोस्कोपिक या रोबोट के माध्यम से की जाती है। इसके उपरांत प्रश्नोत्तर सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा। डॉक्टर चौहान का मंच संचालन तथा डॉक्टर पुड्डार द्वारा सभी को अत्यंत शालीनता से निर्देशित करना सराहनीय था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किडनी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।